सोमवार रात भूकंप के झटकों से दिल्ली समेत उत्तर भारत और उत्तराखंड के इलाके हिल गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.8 मापी गई। सोमवार रात करीब 10:35 पर आए भूकंप का केंद्र उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के करीब बताया गया। यह इलाका श्रीनगर से 60 किलोमीटर दूर और देहरादून से 130 किलोमीटर दूर है। भूकंप का केंद्र धरती से 15 किलोमीटर भीतर बताया जा रहा है। भूकंप में किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। वहीं दिल्ली में लगातार 30 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर आ गए। भूकंप के कारण दिल्ली में मेट्रो की सेवा भी कुछ देर के लिए बाधित हो गई। दिल्ली NCR के साथ उत्तराखंड के देहरादून में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने भूकंप के झटकों पर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही NDRF की टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि गाजियाबाद से NDRF की टीमों को भूकंप के केंद्र उत्तराखंड के लिए रवाना कर दिया गया है। तो कल 30 सेकंड तक उत्तर भारत की धरती हिलती रही, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। वैसे NDRF की टीमों को अलर्ट पर रखा गया है। देखते रहिए DB Live।